ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे ये हमने पूरे कर दिए 100%। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे जहां 4.5 घंटे लगते थे 45 मिनट लगते हैं, 8,000 करोड़ का ये भी कम्प्लीट हो गया, 95 किलोमीटर। 8 लेन 6 लेन गुड़गांव टू सोना ये 21 किलोमीटर 2009 करोड़ का है, ये कम्प्लीट हो गया है सितंबर 2022 में। 4 लेन यूपी हरियाणा बॉर्डर टू सोनीपत ये 41 किलोमीटर है, 1100 करोड़ का, ये मार्च 2022 में पूरा हुआ है। फ्लाईओवर एंड अंडरपास ऑन दिल्ली गुड़गांव ये करीब 1,05,000 करोड़ का है, कम्प्लीट हो गया है। 8 लेन कॉरिडोर फ्रॉम धौला कुआ टू एयरपोर्ट ये 270 करोड़ का था, अभी एलजी साहब के सहयोग से जो पुलिस स्टेशन है धौला कुआ में वहां हम कुछ बढ़ा रहे, और जहां टर्न होता है वहां डिफेंस की जगह पर 3 लेन और बढ़ा रहे, तो ये जो धौला कुआ का ट्रैफिक जाम है वो निश्चित रूप से सुलझाया जाएगा। उसकी ट्री कटिंग की परमिशन थी और एलजी साहब भी इसमें ध्यान देते तो वो मिल जाएगी, तो मुझे लगता है कि ये जल्दी पूरा होगा, ये धौला कुआ टू एयरपोर्ट और क्लियर हो जाएगा। एलिवेटेड यू टर्न नियर एम्बियंस मॉल ये 2.78 किलोमीटर का 103 करोड़ का था, ये हमने भी कम्प्लीट किया। टोटल ये इसकी लेंथ होती है 862 किलोमीटर और इसमें टोटल अमाउंट है 63,212 करोड़, और इसमें 1,000 करोड़ जो है 1,500 करोड़ सीआरएफ में हमने दिल्ली रोड में डस्ट फ्री, फुटपाथ को अच्छे करना, लैंडस्केपिंग को करना और ड्रेनेज सिस्टम को सुधारना पूरे रोड की। तो मैंने दिल्ली की जो एयर पोल्यूशन की बात है आज ही एलजी साहब को प्रार्थना की कि दिल्ली के रोड पर मिट्टी नहीं होनी चाहिए। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।